दोस्तों एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी और सबसे सुरक्षित बैंक है, इस बैंक के द्वारा ऑनलाइन घर बैठे बैठे एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन हमें दिया जाता है। इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट यही डिस्कस करेंगे कि क्या इस अकाउंट के बेनिफिट्स हैं, क्या इस अकाउंट के एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस एसबीआई हमसे इस अकाउंट के लिए चार्ज करता है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हमें ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए या सिंपली हमें एसबीआई का ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि एसबीआई का ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कौन कर सकता है। वेल देखो, जिसकी भी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो व्यक्ति घर बैठे बैठे ऑनलाइन इस एसबीआई के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर सकता है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो इस केस में आपको ब्रांच विजिट करके ही अंडर द प्रेजेंस ऑफ गार्जियन ही अपना एसबीआई का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब यहां पर एसबीआई का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस सिंपली ये है कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले आपको एसबीआई की योनो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। एसबीआई की योनो एप्लीकेशन को जैसे ही आप इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, सबसे पहले वो आपसे यही पूछेगा कि क्या आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है या फिर न्यू कस्टमर है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे कि ओपन यूर एसबीआई अकाउंट, पहला ऑप्शन आएगा बाय विजिटिंग ब्रांच और दूसरा ऑप्शन आएगा कि बाय नॉट विजिटिंग द ब्रांच। तो हमें अपना ऑप्शन यही सेलेक्ट करना है कि हमें ब्रांच विजिट नहीं करना, यानी हमें घर बैठे बैठे अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। तो उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा कि ओपन यूर इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, यानी एसबीआई का जो इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट है ये एसबीआई का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इसका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले एसबीआई की योनो एप्लीकेशन को ही इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आपको इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट अपना ओपन करना है। इस अकाउंट का बेनिफिट ये है कि यहां पर आपको वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए किसी भी तरह से ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे बैठे ही वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपनी वीडियो केवाईसी शेड्यूल कर लेंगे, उस समय आपकी वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी, आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड एसबीआई के एम्प्लॉय को शो करना होगा, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, घर बैठे बैठे आपको किसी भी तरह ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि ठीक है, मेरा एसबीआई का अकाउंट मैंने ओपन भी कर लिया, मुझे मेरी वेलकम किट में क्या क्या मिलेगा, यानी जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको जो वेलकम किट मिलेगी उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलेगी। उसके अंदर यहां पर एक यही पॉइंट आता है कि उस केस में सिर्फ आपको डेबिट कार्ड ही मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि चेकबुक और पासबुक क्यों नहीं मिलेगी, ये मैं आपको सब समझाता हूं। सबसे पहले आपको डेबिट कार्ड जो आपके घर पर आएगा, एक बार हम ये देख लेते हैं कि उस डेबिट कार्ड की फीस कितनी है। जो आपका डेबिट कार्ड आपके घर पर आएगा उसकी फीस है ₹125 पर एनम प्लस जीएसटी, यानी ₹125 प्लस जीएसटी ये डेबिट कार्ड की फीस रहेगी, ये हर साल आपको पे करनी होगी। अब दूसरा सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, डेबिट कार्ड मेरे घर पर भी आ गया, अब मैं इस डेबिट कार्ड से एटीएम में जाकर के कैश विड्रॉ करना चाहता हूं तो मुझे महीने की कितनी ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगी। तो ऐसे में एसबीआई क्लियरली ये बोलता है, चाहे आप अपने एसबीआई के एटीएम कार्ड से किसी भी एसबीआई के एटीएम में जाकर कैश विड्रॉ करो या फिर एसबीआई के एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाके कैश विड्रॉ करो, एसबीआई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, महीने की केवल आपको 4 ट्रांजेक्शन एसबीआई फ्री देता है। एसबीआई ये बोलता है कि इन 4 ट्रांजेक्शन के बाद अगर आप और ट्रांजेक्शन करते हो, यानी और आप ट्रांजेक्शन करते हो किसी भी बैंक के एटीएम से जाके, अगर आप उसके बाद कैश विड्रॉ करते हो तो हर ट्रांजेक्शन की आपकी फीस लगेगी ₹15 प्लस जीएसटी। अब अपने सवाल पर हम आते हैं, ऐसे में जो डेबिट कार्ड एसबीआई आपको इशू करता है इसका नाम है रुपे क्लासिक कार्ड। अब इसके बाद हम अपने सवाल पर आते हैं कि एसबीआई का जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो उस समय हमें जो वेलकम किट मिलती है उसके अंदर सिर्फ डेबिट कार्ड ही क्यों मिलता है। अब यहां पर एसबीआई सिंपली ये बोलता है, आपको पासबुक और चेकबुक वेलकम किट के साथ इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि आपके सिग्नेचर अपडेट नहीं होते। आपको सिग्नेचर अपडेट करने के लिए एक बार ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। जब आप अपनी ब्रांच विजिट करोगे वहां पर आप फिजिकली सिग्नेचर एसबीआई एम्प्लॉय के सामने करोगे, आपके सिस्टम में सिग्नेचर अपडेट हो जाएंगे, उसके बाद आपको आपकी चेकबुक और आपकी पासबुक दे दी जाएगी। अब यहां पर सवाल यह आता है कि जब आपको इनिशियली डेबिट कार्ड आपके घर पर, यानी जब आप अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई करोगे उसके 7 डेज के बाद ही आपको आपका डेबिट कार्ड आपके घर पर मिल जाएगा, चेकबुक और पासबुक आपको तब मिलेगी जब आप ब्रांच विजिट करोगे, यानी जब आपको आपका डेबिट कार्ड मिल जाएगा तो आपको किसी भी चीज के लिए वेट नहीं करना,
जैसे ही आपको आपका डेबिट कार्ड मिलेगा, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपने डेबिट कार्ड का पिन सेट करना है। अब डेबिट कार्ड का पिन कैसे सेट करना है, इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपका जैसे ही डेबिट कार्ड का पिन सेट हो जाएगा, उसके बाद आपको CIF नंबर की जरूरत पड़ेगी इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए। वैसे तो CIF नंबर आपकी पासबुक में लिखा होता है, लेकिन पासबुक अभी आपको मिली नहीं है। पासबुक आपको तभी मिलेगी जब आप ब्रांच विजिट करोगे। ऐसे में आपको CIF नंबर कैसे मिलेगा, CIF नंबर निकालने के ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और तीसरा स्टेप ये होता है कि आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना होता है। अब SBI की इंटरनेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट करना है, इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो मैंने बनाई हुई है, इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यानी अकाउंट ओपनिंग के बाद सबसे पहले आपको डेबिट कार्ड का पिन सेट करना है, उसके बाद आपको CIF नंबर चाहिए होगा, और उसके बाद आपको एट द एंड अपनी इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना है। अब यहां पर ठीक है, हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है, लेकिन काफी लोगों के मन में सवाल यह आ रहा होगा कि ठीक है, हमारा अकाउंट तो ओपन हो गया और हम कुछ पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में भी रख देंगे, लेकिन SBI हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा सेविंग्स अकाउंट पर? तो ऐसे में SBI सेविंग्स अकाउंट पर 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप एक साल की फिक्स डिपॉजिट SBI के अंदर ओपन करते हो, तो इस केस में आपको 5.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट पर SBI ऑफर करता है। ऐसे में SBI अकाउंट ओपनिंग का सिर्फ एक यही डिसएडवांटेज है कि आपको एक बार ब्रांच विजिट करना पड़ता है अपनी चेकबुक और पासबुक के लिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई अकाउंट आपको चाहिए कि आपको एक बार भी ब्रांच विजिट ना करना पड़े, यानी घर बैठे बैठे ही आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट मिल जाए, तो ऐसे में कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बेस्ट ऑप्शन है। कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट सिर्फ 4 स्टेप्स में आप ओपन कर सकते हो। उसके अंदर भी आपको वीडियो KYC का ऑप्शन मिल जाएगा। लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी ज्यादा है, सेविंग्स अकाउंट में भी और फिक्स डिपॉजिट में भी। आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं आपको उसका अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन सब के अलावा भी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और आजकल जो नियो बैंक चल रहे हैं, यानी FI मनी और जुपिटर मनी, इनके भी अकाउंट ओपनिंग के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अपने हिसाब से जिस भी बैंक में आप चाहें इजीली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप कुछ मेंटेन करना चाहते हैं, यानी अगर आप कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, तो उस केस में HDFC बैंक और एक्सिस बैंक भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यानी HDFC बैंक और एक्सिस बैंक 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मांगते हैं हर महीने मेंटेन करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप 10,000 रुपये अपने अकाउंट में मेंटेन कर सकते हो, तो उस केस में HDFC बैंक और एक्सिस बैंक भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इन बैंक्स की सर्विस बहुत ही शानदार है। अगर मैं HDFC बैंक और एक्सिस बैंक की बात करूं, लेकिन इस केस में आपको 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा, और एक्सिस बैंक में तो इनिशियल फंडिंग भी आपको 15,000 रुपये की करनी होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इजीली ये पैसा मेंटेन कर सकते हो, तो HDFC और एक्सिस बैंक का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन जीरो बैलेंस अगर आपको अकाउंट चाहिए और ब्रांच भी विजिट नहीं करनी, ईजी और स्मूथ प्रोसेस में यानी 2 मिनट में घर बैठे बैठे अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो उस केस में फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको SBI में ही अकाउंट ओपन करना है, तो उस केस में आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि SBI का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आपको गूगल प्ले स्टोर पर विजिट करके वहां पर आपको SBI की योनो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और इजीली वहां से फिर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। और एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात, SBI की जो योनो एप्लीकेशन है, वहां पर भी आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे। यानी ऑनलाइन घर बैठे बैठे किसी को भी UPI के माध्यम से, NEFT, RTGS, IMPS के माध्यम से किसी को भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि सुकन्या, PPF, इन सब के अलावा आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी लगभग 80% काम आपके घर बैठे बैठे SBI योनो ऐप के माध्यम से हो जाएंगे। घर बैठे बैठे आप FD क्रिएट कर सकते हो, RD क्रिएट कर सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस अवेल कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस अवेल कर सकते हो। यानी ऑलमोस्ट 80-90% काम आपके घर बैठे बैठे SBI योनो एप्लीकेशन के माध्यम से ही हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं SBI जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग से जुड़े सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। इनकेस अगर आपको फिर भी लगता है आपका कुछ डाउट है, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपको वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।